नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल योजना प्लस में। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, इस राज्य में कॉलेज के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के किया जाएगा प्रमोट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी खबर नीचे आप पे, कोरोना के कारण मध्य मार्च से सभी स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं, जिस कारण छात्रों को फाइनल परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। वहीं अभी लॉकडाउन खुलने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों के छात्रों को बिना परीक्षाओं के अगली कक्षा में भेजने का फैसला किया है। इसी बीच तेलंगाना सरकार अब कॉलेजों के छात्रों को भी प्रमोट करने जा रही है। तो दोस्तों इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी फैसला दे चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली और दूसरी साल के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। जिला स्टेट काउंसिलिंग ऑफ हायर एजुकेशन ने फैसला किया है कि इस साल डिग्री प्रोग्राम के पहले या दूसरे साल के किसी भी छात्र को अगले साल में जाने से रोका नहीं जाएगा। या इसका मतलब छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगले क्लास में भेजने का फैसला किया गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से छात्रों को परिषद के इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगले साल क्लियर करना होगा बैकलॉग। बता दें कि लॉकडाउन के कारण समय पर परीक्षा नहीं होने से छात्रों को बिना परीक्षा के अगले साल में भेजने का फैसला लिया गया है, लेकिन छात्रों को अगले साल अपने बैकलॉग को क्लियर करना होगा। परिषद ने यह भी साफ कर दिया कि इस वर्ष 50% क्रेडिट नियम लागू नहीं किया जाएगा। अगले वर्ष में जाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को कम से कम 50% क्रेडिट होने जरूरी है। तीसरे वर्ष के छात्रों को देनी होगी सभी परीक्षा। तेलंगाना स्टेट काउंसिलिंग ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर टी पप्पी रेड्डी ने तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए कहा है कि उन्हें अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए सभी परीक्षाओं को पास करने की जरूरत होगी। कोरोना वायरस के कारण UGC के आदेशों के आधार पर तेलंगाना में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों ऑनलाइन तरीके से छात्रों को शिक्षाएं दे रहे हैं। 1 से 9 तक के छात्रों को भी किया जा चुका प्रमोट। इससे पहले राज्य सरकार ने 1 से 9 कक्षा तक छात्रों को बिना परीक्षा के अगले क्लास में भेजने का घोषणा की थी। तेलंगाना के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन 1 से 8 तक के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली क्लास में भेजने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी आदि राज्यों में भी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा।